أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الله میرا سونا ہے अल्लाह मेरा सोहना है ओ जिन्नो सजदा सजदा है रिजक भी देंदा है नले ऐबनू कजदा है अल्लाह मेरा सोहना है ओ जिन्नो सजदा सजदा है रिजक भी देंदा है नले ऐबनू कजदा है ओ सानू दसिया अरबी डोले कोई शै नहीं उस तो ओले अल्लाह मेरा सोहना है ओ जिन्नू सजदा सजदा है रिजक भी देंदा है नले ऐबनू कजदा है ए गल भी बिल्कुल ठीक है ओदा जगते कोई न शरीक ए गल भी बिल्कुल ठीक है ओदा जगते कोई न शरीक अल्लाह मेरा सोहना है ओ जिन्नू सजदा सजदा है रिजक भी देंदा है नाले ऐबनू कजदा है अल्लाह पाक दी हमदो सना सारिया तरीफा उस मालिक दी जात वास्ते जिन्हें सारी कायनात नो बनाया सजाया फबाया और सारी कायनात दा निजाम चला रहे अजल तो कल्ले उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी बेशुमार अनगिनत ला तादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम कायनात दे इमाम सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन रहमतुल आलमीन सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात गिरामी ते हजरात अल्लाह सुबहानहु व तआला दा बहुत बड़ा एहसान है जिस खालिक ने सानू जुमे दे खुतबे वास्ते अज भी मौका अनायत फरमाया दुआ करो अल्लाह इस अज दे खुतबे नो मेरे तुहाडे वास्ते जरिया नजात बनाए कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने बड़े उनवान बयान कीते ने मालके कायनात ने बड़े मौजू बयान कीते ने अज असी भी मौजू बयान करने हैं उनवान बयान करने हैं सानू ये सबक मिले है अल्लाह दे कुरान दे विच्चों और मुहम्मद रसूलुल्लाह दे फरमान दे विच्चों किती अल्लाह पाक ने
कुरान दे अंदर मौजू बयान कीता है मिसालां दे के, पहलियां उम्मतां दियां मिसालां दे के किते अल्लाह पाक ने अखबारात बयान कीते ने, पहलियां खबरां, और किते मालके कायनात ने वाकयात बयान किते ने इस कुरान दे अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वाकया तुसी सुनदे रहंदे हो, एक कुरान दा वाकया है, और अल्लाह ने अपने नबी दा वाकया और सच्चा वाकया बयान किया है। वाकयात भी बड़े ने जेड़े रब ने सानू समझाने की खातर बयान फरमाए। कुरान दे वाकयात दे विच्चों अज मैं एक वाक्य का जिक्र करना चाहना। यह वाक्य है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर गाय का वाकया, और इस वाक्य तो सानू बड़े सारे सबक मिलते हैं। अल्लाह ने इस वाक्य को कुरान के अंदर बयान ही सानू सबक देन वास्ते बयान किया है, ताकि असी सबक हासिल करिए, असी समझिए। दुआ करो मैं जो कुछ बयान करा तुसी समात फरमाओ, अल्लाह सुन सुना के सानू अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रब दा कलाम आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दे अंदर एक बंदा बड़ा मालदार है। इस बंदे दे कोल माल बड़ा ज्यादा है, इस बंदे दे कोल प्रॉपर्टी बड़ी ज्यादा है, इस बंदे दे कोल जायदाद बड़ी ज्यादा है। जायदाद भी है वे, माल भी है वे, प्रॉपर्टी भी है वे, पर औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, एक बेटी मिली है। इस बंदे ने की कम कीता, अपना भतीजा बड़े भाई का बेटा ओदे कोलो लैके इन्हें उन्हों पालना शुरू किया, उन्हों संभालना शुरू किया, तवजो ओदियां परवरिशां कीतियां, ओदियां खिदमतां कीतियां। ए बच्चा चुलियां दुध पी पी के, ए बच्चा अपने चाचे दियां रोटियां खा खा के जवान होया, ते दिल दे अंदर ख्याल आ गया, दिल दे अंदर लालच पैदा हो गया। लालच की है, मेरे चाचे दी जायदाद बड़ी ज्यादा है। तवज्जो है ना, गल समझ आ रही? पूरी तवज्जो नाल सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। ओदे दिल विच लालच पैदा हो गया, मेरे चाचे दा माल बड़ा ज्यादा है, मेरे चाचे दी जायदाद बड़ी ज्यादा है, मेरे चाचे दे मुरब्बे बड़े ज्यादा ने, ते बुढ़ा मरदा ही कोई नहीं, ये जल्दी जल्दी मरे, मैं इस जायदाद का मालक बनां, इस जायदाद नू हासिल करां। ते इन्हें की कम कीता, रात नू सोचदियां सोचदियां इन्हें सोचिया क्यों ना होवे कि मैं आदे चाचे नू कतल कर देवां, कतल कर देवां, अपने चाचे नू मार देवां। तीन फायदे होणगे, तीन फायदे मेरे, एक फायदा तो ये होएगा कि मैं अपने चाचे की जायदाद का मालक बन जावांगा,
दूसरा फायदा यह होएगा अल्लाह अकबर कि मैं अपने चाचे का कतल अपने मुखालफा के उत्ते डाल देवांगा अपने मुखालिफीन के उत्ते पा देवांगा। तीसरा फायदा कतल करन दा ए होएगा ऐ जड़ी मेरे चाचे दी बेटी है एदे नाल मैं निकाह कर लवांगा एदे नाल मैं शादी कर लवांगा। शाम कोटियो गिरदो नवा तो तशरीफ ले आन वाले हो कुरान दे हो परवाने हो लालच बुरी बलाए आंदे हो ना लालच बुरी बलाए इस लालच ने बंदे कतल करवा दिते इस लालच ने भरा कतल करवा दिते इस लालच ने बाप कतल करवा दिते इस लालच ने मावां कतल करवा दितियां। अल्लाहु अकबर इधर तवज्जो करना जरा गौर करना मैं रात फेसबुक ते वेख रहा सा एक वाकया वेख रहा सा एक बाप एंकर लभदे लभदे इस बाप नो जाके ढूंढिया ते लभिया ये जकड़िया पै संगल वजे पैने इहदे पैर भी बजे पैने हाथ भी बजे पैने एंकर पहुंचे आए औलाद कोलो पुछिया तुहाडा बाप किथे कहन लगे साडा बाप कम ते गया है तीन पुत्र अलग अलग सवाल किया तिने कहन लगे साडा बाप कम ते गया है लभदियां लभांदियां किस्सा मुख्तसर बाप नू ढूंढे आए बाप नू संगल वजे पैने जकड़ के एक कमरे दे अंदर बंद किया है ते पुत्रा कोलो पुत्रा कोलो एंकर ने सवाल किया है ए बाप है तुहाडा ए प्यो है तुहाडा इनू जकड़िया क्यों जे इनू बन्निया क्यों जे ते पुत्र कहन लगे ए साडे नाम जायदाद नहीं लांदा ए बाप जड़ा साडा साडे नाम जायदाद नहीं करदा जायदाद दे लालच दे अंदर बाप नू बन दिता है ए कोई वाकया कुरान दा नहीं ओ शाम गोटियो ए कोई वाकया किसे होर मुल्क दा नहीं ए वाकया तेरे मुल्के पाकिस्तान दा वाकया है। लालच दी खातर सके बाप नू कैद कर दिता है संगल मार दिते ने बन दिता है लालच बुरी बलाए लालच जेड़ा है ये जायदादां दी खातर बंदे मरवा छड़दा है। अल्लाहु अकबर इधर वेखो फेसबुक दा एक होर वाकया सुनो अल्लाहु अकबर दो भरा ने दोवां दियां दुकानां कठियां ने आपस दे अंदर लड़ाई हो गई एक कहंदा ऐ दुकान मेरी है दूजा कहंदा ऐ दुकान मेरी है। अल्लाहु अकबर दुकान तो तू तकरार होया एक दुकान तो लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया उन्हें भी पिस्तौल कढ़ लिया उन्हें भी पिस्टल कढ़ लिया आपस दे अंदर लड़दियां लड़दियां उन्हें उन्हों फैर मारिया उन्हें उन्हों फैर मारिया है दोवां नू फैर वज गया दुकाना इत्थे रह गईयां दोवें कतल हो गए बाप जड़ा है इन्ने दुकाना दे अंदर ही एक दी कबर बना दिती दूजी दुकान दे अंदर दूजे दी कबर बना दिती सानू दस्या अल्लाहु अकबर इन्ना दुकाना दी खातर इन्ना एक दूजे नू फैर मारे ने इन्ना एक दूजे नू गालां कढ़ियां ने एक दूजे नू कतल कीता है ए दुकाना मैं इन्ना दे अंदर ही कबरां बना के पैगाम दुनिया वालियां नू दे रहा ए जायदाद नाल नहीं जानियां ये दुकाना नाल नहीं जानियां। अल्लाहु अकबर लालच आ गया दिल दे अंदर इन्ने अपने चाचे नू कतल कर दिता कतल करके रात दी तारीकी दे अंदर कतल करके ना इस तरह करके
मुखालफां दे दरवाजे ते सुट आया, मुखालफां दे महल्ले दे अंदर सुट आया। अल्लाहु अकबर। जदों सुबह होई ते अंदरों महल्ले वाले बाहर आए ने, वेखदे की ने एक लाश पई है दरवाजे दे सामने, लाश पई है बाजार दे सामने, लाश पई है। ते परेशान हो गए, एक दी लाश है, इहनू कौन मार के चला गया है, इधरों कतल करन वाला। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहि सलातु वसलाम दी कौम दा बंदा, ए नौजवान जिने कतल कीता है, लभदिया लभदिया रोले पांदा फिरदे, हाय मेरा चाचा किथे, हाय मेरा चाचा किथे, हाय मेरा चाचा किथे। नाले रोंदा है, नाले चाचे नू आवाज़ा मारदा है, लभदिया लभदिया उस महल्ले दे अंदर चला गया। लोग जमा हो गए, कट्ठे होए खड़े ने लोग। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते लोकां कोलों पुछदा है, मेरे चाचे नू किन्ने कतल कीता है? ओ महल्ले वाले कहन लगे, सानू की पता किन्ने कतल कीता है? ये पैंतरे बदल गया, पॉइंट बदल गया, फौरन पैरा तो तब्दील हो गया। कह लगा, मैनू पता लग गया है, साड़ी तुहाडे नाल मुखालफत सी ना, उस मुखालफत की वजह करके तुसी मेरे चाचे नू कतल कर दिता है, तुसी मेरे चाचे नू खत्म कर दिता है, मेरे चाचे नू ज़िबा कर दिता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोला पै गया, परेशानी वध गई, कतल ने लभदा नहीं पिया, कातल कितों मिले, कातल किवें लभेगा? आपस दे अंदर दोवां कबीलियां दी जंग तक गल आ गई, आपस दे अंदर दोवें कबीले अनगरीब के एक दूजे नाल भिड़ जांदे, कतलो गारत मजीद हुंदी। इन्हां दे अंदर एक सियाणा बंदा बोलिया, एक सियाणा बंदा उठिया ते आंदा, क्यों लड़दे पै जे अपने अंदर अल्लाह दा रसूल जो मौजूद है, क्यों लड़दे हो अपने अंदर अल्लाह दा नबी जो मौजूद है। शाम कोटियो पता चलिया, जिथे अल्लाह दा नबी मौजूद होवे उथे लड़न दियां जरूरतां हैं? साडे कोल अल्लाह दा दीन जो मौजूद है, मुस्तफा दी शरीयत दे हुंदियां, अल्लाह दे कुरान दे हुंदियां, मुस्तफा दे फरमान दे हुंदियां लड़ना चाहिदा। असी कहने आ वीरो, रफल यदैन दे वादे साडे नाल ना लड़िया करो, आमीन दे मामले दे अंदर साडे नाल ना लड़िया करो, तौहीद दे मामले दे अंदर साडे नाल ना लड़िया करो। अल्लाह असी भी ते इहो ही गल कहने, जनाबे मूसा अलैहि सलातु वसलाम दी कौम दा एक बंदा कह लगा, लड़दे क्यों जे अपने अंदर अल्लाह दा रसूल दो मौजूद है। आ गई कौम सारी मिल के हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम दे कोल, ते आण के कहन लगी, कौम मूसा बंदा कतल हो गया है, हुण कातल नहीं पिया लभदा। एंड दियां कहानियां ना अपने बच्चों नूं सुनाया कर, मोटू पतलू वाले पासे ना ला, और बच्चों नूं कार्टून दियां कहानियां ना सुना, झूठियां कहानियां ना सुनाया कर, सच्चियां कुरान दियां कहानियां घर दे अंदर सुनाया कर, बच्चों नूं सुनाया कर, अहलो अयाल नूं सुनाया कर, सुन कुरान दी कहानी, सुन कुरान दा पैगाम, सुन कुरान दा वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल कौम आ गई, ते कहन लगी, कौम मूसा कतल हो गया है, ते कातल नहीं पे लभदा, साडे ते आपस दे अंदर दो कबीलियां दे अंदर लड़ाई छिड़न लगी है, जंग छिड़न लगी है, कातल लभो। अल्लाहु अकबर। हुण मूसा अलैहि सलाम कहन लगे, कातल किवें लभणा है, तरीका सुनिया जी। आसमान तो अल्लाह पाक ने अपने मूसा नबी ते वही नादल फरमाई, अपने नबी मूसा नू तरीका दसिया, अपने नबी मूसा नू सलीका दसिया, ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ तेरे कोल तेरी कौम आ गई है, एक कातल लभना चाहते ने, ते कातल किवें लभेगा? वहिद काला मूसा ली कौमी इन अल्लाह या मुरुकुम अल तज बहो बकारा। मूसा अलैहि सलाम कह लगे, एक गां लवो, एक गां लवो ते उन्हों ज़िबा करो, ज़िबा करके
उस गां दी एक बोटी लैके ना गोशत दी इस तरह करके मैयत दे थोड़ा दूर खड़ो के ना इस तरह करके बोटी सुटो के ना जू ही गोशत दा टुकड़ा मैयत दे नाल टच होवेगा मैयत जिंदा हो जाएगी। तुहानूं खुद दसेगी मैयत मैनूं कतल करन वाला कौन है। ऐ जदों गल होई ना हुण गल कुरान दी है पैगाम कितना प्यारा है वही आई है वही अल्लाह पाक ने कली है। ते हुण कौम की आंदी है ऐ नबी मूसा तू साडे नाल मजाक करना है हाय असी कातल लभना चाहने हां तू साडे नाल मजाक करना शुरू कर दिता है तू गाइयां ज़िबा करवानियां शुरू कर दित्तियां ने तू गाइयां हलाल करवानियां शुरू कर दित्तियां ने एक किन दियां गल्लां ने अल्लाहु अकबर कबीरा ते जनाबे मूसा अलैहि सलाम कहन लगे ऐ मेरी कौम दे ओ लोगो अल्लाह अल्लाह मैं सच्ची गल पिया करना मैं तुहाडे नाल मजाक नहीं करदा ते आंदे कीने कालो अतत कालो अतत तखिदूना हुजुवा काला आओ बिल्लाही अन अगोना मिनल जाहिली सुन कुरान दवा गया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कह लगे गाय दिबा करो गाय दिबा करके गोशत सटो मैयत दसेगी मैनू कतल करन वाला कौन है ते कौम ने नबी नू भी माफ ना कीता और जड़ी कौम नबियां नू माफ ना करे अज दे मौलवियां नू माफ कर दी आंदे ने नहीं हैं बड़े पक्के बंदे ने और जैसे कौम ने नबियां नू माफ नहीं कीता ओ कौम उलमा नू किवें माफ करेगी अवामुन नास अल्लाह हुआ दुआ करो अल्लाह हदायत अता करे उची आमीन कह दियो अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो रखना जरा गौर करना कालो अततखिदूना हुजुवा ऐ मेरी कौम तुसी कहंदे हो मैं तुहाडे नाल मजाक करना अल्लाह अकबर कबीरा भला मैं तुहाडे नाल मजाक क्यों करना काला आउजु बिल्ला मैं अल्लाह दी पनाह मंगना अल्लाह हु अकबर कबीरा अन अकूना मिनल जाहिली मैं भला तुहाडे नाल मजाक करके जहलां दे विचों होणा है ये नहीं आख्या मैं तुहाडे नाल मजाक नहीं कर रहा ये आख्या है मैं तुहाडे नाल मजाक करके मैं भला जहलां दे विचों होणा है की सबक मिले जेड़े ठट्ठा करते ने जेड़े मजाक करते ने वो जाहल ने गज के बोलो की ने साडे मुआशरे दे अंदर टिकटॉक बनाया जांदा है और टिकटॉक वाले हो और मेरी मिल्लत दे नौजवानों तुहाडे हाथ दे अंदर ते तलवारां होनियां चाहीदियां सन तुहाडे हत्थां दे अंदर अल्लाह हु अकबर कबीरा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद करन वास्ते तुहाडे हत्थां दे अंदर तलवारां होनियां चाहीदियां सन तुहानूं ते मजबूत होना चाहीदा सी तुसीं ते फतह करना सी गैर मुसलमानों तुसीं ते फतह करना सी इन्हां मुल्कां नूं जिन्हां मुल्कां दे अंदर अल्लाह रसूल दियां ना फरमानियां आउंदियां ने ते तुसी की कीता हत्थां दे अंदर मोबाइल फड़ के ते टिकटॉक बनाण लग पए टिकटॉक ते मजाक किते होंदा ए अल्लाहु अकबर कबीरा स्टेज ड्रामियां ते मजाक किते होया जा करदा ए ओ तेरियां जुगतां विच की ए क्या कुरान पढ़िया जांदा ए तेरियां जुगतां दे अंदर मजाक किते कीता जांदा ए कपड़ियां ते मजाक करदे हो अल्लाहु अकबर चेहरा वेख के चेहरे ते मजाक करदे हो नक वेख के नक ते मजाक कर दियो कन वेख के कन्ना ते मजाक कर दियो और तैनू मुलक दिता सी रब ने ला इलाहा इल्लल्लाह दी खातर ला इलाहा इल्लल्लाह तू नाफज ना कीता तू अपने उत्ते टिकटॉक नू नाफज कर लिया तू अपने आप ते नेट नू नाफज कर लिया तू अपने आप ते जुगतां नू नाफज कर लिया तू अपने आप ते स्टेज ड्रामियां नू नाफज कर लिया फिर तेरा मुलक क्यों ना जलील होवे तू क्यों ना जिल्लत दी जिंदगी बसर करे अज सानू किते महंगाई दे छित्र पै रहे ने अज तू किते सानू जनाब जालम हुक्मरान लित्र मार दे ने जिंदा दिल करदा है उसे पासे ला लैंदा है क्यों एवें होए फिरने आ क्योंकि असी मजाक करने आ असी आपस दे अंदर एक दूजे नू मजाक करने आ हुक्मरान साडे नाल मजाक करदे ने हुक्मराना ने सानू मजाक बना छड्या है ओ कायनात दे लोगो किसे नू मजाक करना जाहिलां दा काम है किसे नू ठट्ठा करना जाहिलां दा काम है पढ़िया लिखिया बंदा किसे नाल मजाक नहीं करता हाँ
शरीयत ने किसे दी किसे हद तक ना कोई थोड़ा बोता हंसी मजाक करने की इजाजत दिती है। ये तो नहीं भी किसी बंदे नु जुड़ जाओ तो डांडी ला के रख दियो ओदी इज्जत का ख्याल ही ना करो। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद उची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कौम दी औरत तवज्जो एक कौम दी औरत बच्चे नो दूध पिला रही है। गल समझ आ रही है आ रही है कि जा रही है। एक बच्चे नो दूध पिला रही है औरत ते इस तरह करके एक बंदा बड़ी इज्जत वाला गुजरिया बड़े माल वाला गुजरिया ते मां जड़ी है बच्चे नो दूध पिलान वाली मां रब नु मुखातब होके कहन लगी अल्लाह मेरे पुत्र नु एवें दियां अजमतां अता करी एवें दियां शाना अता करी यानी एवें दा चौधरी बना देवी एवें दी प्रॉपर्टी ते मुरब्बे अता करी एवें दा अमीर कर देवी मेरे बच्चे दूध पींदा बच्चा मां दी छाती नालों मुंह लाया है ते कहंदे अल्लाह मैनू इस बदबख्त वर्गा ना बनावी इस चौधरी वर्गा मैनू ना बनावी। अल्लाह हू अकबर थोड़ी जी देर गुजरी है बच्चा दुध फिर पीन लग पे आए इस तरह करके एक औरत गुजरी है औरत कमली रमली जई इस औरत नू लोग मजाक करते ने इस औरत नू लोग ठट्ठा करते ने जाहल लोग एक दूसरे नू मजाक करया करते ने इस बीबी नाल मजाक करते ने कौम दे लोग। अल्लाह हू अकबर कबीरा ते बीबी कहन लगी मां कहन लगी अल्लाह मेरे पुत्र नू एदे वर्गा ना बनावी इस औरत वर्गा ना बनावी जिन्हों लोग पै मजाक करते ने जिन्हों लोग पै ठट्ठा करते ने। ये बच्चे ने फिर मुंह हटाया छाती नालों मुंह लाया ते कहन लगा अल्लाह मैनू इस बीबी वर्गा बना दे इस औरत वर्गा बना दे जिन्हों लोग ठट्ठा करते ने जिन्हों लोग जुगता मारते ने जिन्हों लोग मजाक करते ने। अल्लाह अकबर कबीरा ते मां अपने पुत्र नू मुखातब होके कहन लगी वे पुत्रा पहले ते मैं परेशान हाँ तू दुध पींदा बोलन लग पिया है अजे तेरी मासूमियत उम्र है तू दुध पींदा ही गल्ला करन लग पिया है ते जे बोले ही बोले आए ते जिन्हों जुगता ते मजाक हो रहे ने ओदे वर्गा बनन दी दुआ कर दिती ओ गल की है ये दुध पींदा बच्चा बोलिया ते आंदा की है अम्मा गल सुन ले ओ जिहड़ा चौधरी जा रहा सी जिहदी इज्जत दीआं गल्लां पई करदी से ये अल्लाह दा ना फरमान है ये अल्लाह दा दुश्मन है मैं रब दा दुश्मन नहीं बनना मैं अल्लाह दा ना फरमान नहीं बनना ते ओ जिहड़ी बीबी जिन्हों लोग मजाक पै करदे सन जिन्हों लोग ठट्ठा पै करदे सन जिहदे नाल लोग हस हस के गल्लां पै करदे सन जिहदी लोग बिस्ती पै करदे सन ये बीबी नूं इधरों लोग मजाक करदे ने ते बीबी आंदी है हसबी अल्लाह हसबुन अल्लाह मैनू मेरा अल्लाह काफी है मैनू मेरा अल्लाह काफी है मैनू मेरा मौला काफी है। अम्मा मैं पैसों वाले चौधरी वर्गा चौधरी नहीं बनना मैं ए बीबी जड़ी अल्लाह दी फरमा बरदार है मैं इस बीबी वर्गा अल्लाह दा फरमा बरदार बनना है। जिन्हों गरीब समझ के मजाक करे जुगता मारे तेनू नहीं पता शायद ओदा अल्लाह नाल तल्लुक किन्ना ज्यादा होए। इस वास्ते जनाबे मूसा कहन लगे काला आउजु बिल्लाह मैं अल्लाह दी पना मंगना अन अकूना मिनल जाहली मैं तुहाडे नाल मजाक करके भला जहलां दे विच होना है जहलां दा कम है मजाक करना मैं अल्लाह दा नबी हां। हुण सुन इक ना होर हदीस मैनूं याद आ गई कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मद और यार नबी पाक दा नाम आवे मुहब्बत दे नाल दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ना दिन ना महीने दे ओए ना दिन ना महीने दे ना साल ते मुकनी ना दिन ना महीने दे ना साल ते मुकनी ऐ आम न गल हशर नो ऐ आम न गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी
उची कवो सुबहान अल्लाह, फिर कह दियो सुबहान अल्लाह। बाज जिसने पढ़ाई सरकार दो आलम नो, बाज जिसने पढ़ाई सरकार दो आलम नो, ओ कहिंदा फिरे सबनो, ओ कहिंदा फिरे सबनो। गमकार ते मुकनी ना दिन ना महीने दे, ना साल ते मुकनी दिन हशर नु गल आमिना। तेरे लाल ते मुकनी मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, ओ जवानो मैं तुहाडे नाल मुखातब हां, बाबियां नूं ते टच मोबाइल दा पता ही कोई नहीं, मैं तुहाडे नाल गल कर रहा। अल्लाह तवज्जो करो, जरा पूरी तवज्जो करो। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, हजरत सिद्दीक दी बेटी है ते सिद्दीका है मेरे पाक नबी दे कोल बैठी है, ते कहण लगी सोने वेखो ना सफिया का किन्ना छोटा जहा कद, वेखो ना सफिया किन्ना छोटा जहा कद लई फिर दिए मेरे आका। इस तरह करके फरमाया ऐशा चुप कर जा, ऐशा ऐ की कह दिता ही, ऐशा ऐ केड़े जुमले बोलन लग पई है। सोने मैं ते मजाक किया है, मैं ते मजाक किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका फरमाते ने ऐशा ऐ तेरा मजाक इन्ना कौड़ा है, ऐ तेरे मजाक दे अंदर इन्नी कुड़तन है, ऐ तेरा जुमला एक जुमला जड़ा है ना, ए जुमला समंदर दे अंदर पा दिता जाए ते समुंदर कौड़ा जहर हो जाए। इत्थे जो एक दूजे नूं बिस्त कर दियो तुहानूं पता नहीं लगता कलमा किस मुस्तफा दा पढ़िया है, शरीयत दा पता ही कोई नहीं। 3 लाख का मोबाइल है जुगतां सुनन वास्ते, 5 लाख का मोबाइल है मजाक करन वास्ते ते मजाक सुनन वास्ते। ते नबी मूसा की आंदे ने काला आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह दी पनाह ओए सजनो, अल्लाह दी पनाह मेरी कौम दे लोगो, अल्लाह दी पनाह। अल अकून मिनल जाहिली, मैं भला जाहना तुहाडे नाल मजाक करा। अल्लाहु अकबर कबीरा, ते कौम नूं कहन लगे गां दी बाग करो। कौम कहन लगी किवें दी गां दी बाग करिए, जिबा कर छड़ दे, जिबा फड़ के कर छड़ दे, ते गल मुक जांदी। कौम हुण अगे टुर पई, अगे टुर पई किवें दी गां दी बाग करिए। काल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, काल इन्नहु यकूलु इन्नका बकरतुल ला फारिदुन वला बिकरुन अवानुन बैना ज़ालिका फफालु मा तुमरुन। गां किवें दी होवे ते किवें दी दी बाग करिए, अल्लाह पाक दस दे जा रहे ने, टाइम जल्दी खत्म हो रहा, मैं गल मुकदी मुकावां। आओ ना लोगो, अल्लाहु अकबर कबीरा। कौम सवाल कर दी रही गाय दे बारे, अल्लाह पाक दस दे गए ओ गां इंज दी होए, जर्द रंग दी होए, गां जवान होए ना बुढ़ी होए, अल्लाहु अकबर, ते ना ज्यादा बच्ची होए, जवानी दी उम्र दे अंदर होए, इत्थे भी गल मुक जानी थी। अल्लाहु अकबर, कौम अगे टुर पई, कहन लगी मूसा इंज दियां गावां ते बड़ियां टुरियां फिरदियां ने, जर्द रंग दियां भी बड़ियां टुरियां फिरदियां ने, जवान भी बड़ियां टुरदियां फिरदियां ने, किवें दी गां होवे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी मूसा इन्हां बदबख्तां नूं दस दे, इन्हां नूं दस दे गां इंज दी लै के आवण जिहड़ी लाडली गां होवे, जिहदे ते पाणी नहीं, जिहनूं खूह दे उत्ते पाणी वास्ते भी ना जोया गया होवे, जिहनूं हलां दे अंदर भी ना पाया गया होवे, लाडली गां होवे। ज्यादा सवाल करन लग पिया, ज्यादा सवाल, जदों सवाल ज्यादा करिए फिर
अल्लाह अकबर चीजा मुसलत ज्यादा ही होया गर्दिया ने इस वास्ते ज्यादा सवाल भी ना करया कर ज्यादा सवाल मूसा नबी दी कौम ने कीता है ते अगे अगे फसदे जा रहे ने फसदे जा रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा ज्यादा सवाल तो बचना चाहिए है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने तीन चीज़ां नूं तुहाडे ते हराम कर दिता है तीन चीज़ां साडे वास्ते हराम कर दित्तियां ने केड़ियां केड़ियां तीन चीज़ां अल्लाह अकबर बेटियां नूं कतल करना साडे ते अल्लाह पाक ने हराम कर दिता है मां बाप नूं गालियां देना अल्लाह पाक ने साडे ते हराम कर दिता है ते आंडियां गवांडियां नूं आयां नूं बूहे तो खाली मोड़ना यानी रोजमर्रा दी बंदा कोई बच्चा चीज लैन आ गया है आन के कहंदा खाला मेरी अम्मी ने गल्या चमची दे दे खाला मेरी अम्मी ने गल्या छुरी दे दे खाला मेरी अम्मी ने गल्या अदरक दे दे लसन दे दे रोजमर्रा दियां जिहड़ियां चीजां ने अगर कोई सवाली आ गया गुआंढी आ गया लैन वास्ते आ गया उन्हूं खाली मोड़ना भी हराम है मां बाप नूं गाली कढ़ना भी हराम है बेटियां नूं कतल करना भी हराम है ते अगलियां तीन जड़ियां रब ने बुरियां समझियां ने मेरे आका फरमांदे ने झूठियां खबरां देना झूठियां खबरां पहचाना पहुंचाना लोगों नूं झूठियां गल्लां सुनाना अल्लाह पाक ने नूं बुरा जाणिया है ते माल नूं एवें जाया करना माल नूं एवें बर्बाद करना माल नूं एवें तबाह करना अल्लाह पाक ने नूं बुरा जाणिया है। हुण तीसरी चीज अल्लाह पाक नूं जड़ी बुरी लगती है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा कसरत दे नाल सवाल करना कसरत दे नाल सवाल करना अल्लाह पाक नूं बड़ा बुरा लगता है अल्लाह पाक ने नूं बुरा जाणिया है। एक दिन दा वक्त है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद उची पढ़ो सल्लल्लाहु फिर क्या दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कबीरा मैं साथियों की फरमाइश पूरी कर दिया पिछले जुम्मे के अंदर भी पढ़ गया लेकिन फिर आर्डर होया ईमान वधावन लई एक नात सुना देवां उची कहो सुभान अल्लाह ईमान वधावन लई एक नात सुना देवां मेरे पीर मुहम्मद ने ओ साडे पीर मुहम्मद ने गल मुकदी मुका देवां एक जान मेरे कोले शाला जाना लख होवन आका दया कदमा तो आका दया कदमा तो हर जान लुटा देवां ओ बिदता वल ना जावी साडे पीर दारा छड़ के बिदता वल ना जावी साडे पीर दारा छड़ के तू रुल दाई रुल वैसे तू रुल दाई रुल जासे अनेक सला देवां साडे पीर मुहम्मद ने गल मुकदी मुका देवां मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज दे मौके ते मेरे आका हज दे मौके ते एक बंदा आया सहाबी रसूल अल्लाह दे पैगंबर नूं कहन लगा सोणिया क्या साडे उत्ते हर साल हज फर्ज है एक वारा भी सवाल कीता मेरे आका चुप कर गया इन्हें दूजी वारा भी सवाल कीता सोणिया साडे उत्ते हज हर साल फर्ज है मेरे आका फिर चुप कर गया इन्हें तीजी वारा फिर सवाल कीता कहन लगा सोणिया साडे उत्ते हर साल हज फर्ज है अल्लाह अकबर मेरे आका फिर खामोश हो गए आका फिर चुप कर गए मेरे आका चुप ने सहाबा इकराम कहन लगे इस बंदे ने पता नहीं किन्नी दफा सवाल नु दोहराया पता नहीं किन्नी दफा सवाल नु कीता है ते मेरे आका खामोश हो गए। थोड़ी जी देर गुजरी है मेरे नबी ने लब खोले ओ शाम कोटी ओ मिठे मिठे मोती रोले मेरे आका फरमांदे ने किथे ओ काला ओ ज्यादा सवाल करना किथे उन्हों बुला के लिया ना जरा
ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਐਵੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ अल्लाह अल्लाह ज्यादा सवाल करने इन्ना ज्यादा सवाल किए तो फसते जा रहे ने अल्लाह फरमाते ने मेरे नबी मूसा इन्हों कह दे गां इंज दी होवे जड़ी लाडली होवे जिदे उते नजरां पैण ते दिल खुश हो जाए हुण कौम लभण टुर पई गां नहीं पी लभदी पूरा मुआशरा छाण मारिया पूरा इलाका छाण मारिया शाम कोटियो गिरदो नवा तो तशरीफ लियान वाले गल मेरी मुक चली जाए सौ हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ पैण लगी है इधर तवज्जो कर लो अल्लाहु अकबर हाफिज इबने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने तफसीर इबने कसीर दे अंदर तसीरुल कुरान दे अंदर भी लिखिया है अल्लाहु अकबर इसे कौम दे अंदर एक नौजवान ए नौजवान इस तरह करके घर के अंदर बैठा है ते होका लग्या लोगो हीरा ले लो लोगो हीरा ले लो इस तरह करके अंदरों बाहर निकलिया नौजवान हीरे वाले नूं कहण लगा मैं तेरे कोलो हीरा खरीदना चाहना अल्लाह कबीरा उन्हें क्या किन्ने दा हीरा है उन्हें क्या मिसाल दे तौर ते उन्हें क्या 70,000 दा हीरा है अल्लाह गल तय हो गई गल टुकी गई टुक लग गया 70,000 दा हीरा लै लिया नौजवान ने ते नौजवान की आंदा है ओ हीरे दिया मालका गल सुन ले ओ मेरा अबू सुता पिया है ओ मेरा बाप मेरा वालद सुता पिया है ओदे सराने दे थले पैसियां दिया चाबियां ने ओदे सराने दे थले पैसियां दिया चाबियां ने गले दिया चाबियां ने मेरा अबू उठ पवे मैं तनु 70,000 दे देवांगा ते हीरा लै लवांगा ये जड़ा हीरे दा मालक सी ना इन्हें से बच्चे नु अजमाना शुरू कर दिता इस नौजवान नु अजमा रहा है कह लगा यार 70,000 दी जगह ते मैनू 60,000 दे दे अपने अबे दा सराणा चुक ते चाबियां कढ़ दे पैसे हुणे लैके आ वो कह लगा नहीं नहीं मैं अपने अबू की नींद नहीं हराम कर सकता मैं अपने अबू की नींद नहीं खराब कर सकता वो बुढ़िया दिया नींदा बड़िया अनमोल होया कर दिया ने और नींद आ गई ते आ गई नहीं ते सारी सारी रात तारे गिणदियां गुजर जांदियां ने इन्हां बाबियां दियां नींदां बड़ियां अनमोल होया कर दियां ने इस वास्ते नौजवानों तवज्जो करना जरा गौर करना तू बाप की नींद दा ख्याल कर अल्लाह तेनू मालो माल कर देणगे सुन वाकिया ध्यान दे नाल अल्लाहू अकबर कबीरा वो कहन लगा 60,000 दे दे चाबियां हुणे लैके आ अपने बाप नू जगा दे उन्हें क्या मैं 70,000 दी जगह ते तेनू 80,000 देवांगा मैं अपने बाबे की नींद नहीं खराब करनी मैं 10,000 तेनू वध दे छड़ांगा लेकिन मैं थोड़ी देर रुक जा मैं अपने अबू की नींद नहीं खराब करना चाहता वो थले आ रहा है उत्ते जा रहा है आखिरकार वो बंदा चला गया इन्हें अपने अबू की नींद नू खराब ना किया इहदा बाप जिहड़ा फौत होण लग्या इन्हें निक्की जी बच्छी खरीदी इन्हें छोटी जी गाय की बच्ची खरीदी अल्लाह अकबर कबीरा बाप कबरां दे अंदर टुर गया है ये नौजवान अपने बाबल दे नाल प्यार करन वाला अपने अबू दे नाल प्यार करन वाला इन्हें गां नू बड़िया लाडा दे नाल पालिया बड़िया लाडा दे नाल संभालिया इन्हें अपने गां बड़िया मुहब्बत दित्तियां ते बड़े प्यार कीते ने लाडा दे नाल गां पली हुई ओ जिहड़ी कौम मूसा अलैहि सलातो सलाम दी गां लभदी फिरदी ए लभदियां लभदियां इस नौजवान दे दरवाजे ते आ गए इस तरह करके तरले पा रहे ने मिन्नतां कर रहे ने ओ नौजवाना ए गां सानू दे दे इहदियां बड़ियां लोड़ां ने उन्हें कहा मैं गां नहीं देनी ये मेरे अबू की निशानी है आखिरकार कौम कहन लगी नौजवाना गल सुन लै साडा कतल हो गया है इस गां दे गोशत दे जरिए सानू कातल दा पता लग सकदा एक दे वजह ए वे दूसरी वजह ओ जिन्ने पैसे मंगना है असी उन्ने ही तैनू पैसे दे छड़ांगे ते तीसरी वजह पता ते चले अल्लाह दा नबी मूसा सच भी बोलदा कि नहीं बोलदा नऊजु बिल्लाह अल्लाहू अकबर कबीरा इस तरह करके एक पलड़े दे अंदर
कान रख दिता है, एक पलड़े दे अंदर तोल के सोना दे रहे ने, जिन्ना गां दा वदन है उन्ना सोने दा वदन है। इन्नी महंगी गां खरीदी ते ले आए मूसा अलैहि सलातो सलाम दे कोल, आण के गां नू ज़िबा कीता है, गां ज़िबा करके इस तरह करके उहदा गोश्त दा टुकड़ा पकड़े आए, गोश्त दा टुकड़ा पकड़ के मैयत नू मारदे ने, मैयत जिंदा हो जांदी है। ओ मैयत ओ चाचा इस नौजवान दा जिंदा हो जांदा है, जिंदा हो के कहंदा है ओ किन्नू लभदे फिरदे हो, के कातल नू लभदे फिरने आ। उन्हें क्या कातल नू क्यों लभदे फिरदे हो, ए जिहड़ा तुहाडे अगे अगे रोंदा फिरदा है, आ अगे अगे हाड़े पांदा फिरदा है, आ अगे अगे जिहड़ा रोले पांदा फिरदा ना मेरा भतीजा, इहो ही ते मेरा कातल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर वक्त सच्चा रोना भी नहीं होंदा, कदी झूठे रोण भी कई रो लिया करदे ने। अल्लाहु अकबर। यूसुफ अलैहि सलातो सलाम नू खूह दे अंदर सुटिया, ते इस तरह करके कुड़ता जेड़ा है कुड़ता खून दे अंदर लत पत करके हाल हाल करदे आ रहे ने ते रोंदे आ रहे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते आण के कहण लगे यकूब अलैहि सलाम नू, अब्बा जी साडी गल ते तुसी यकीन ते नहीं करना, इतमाद ते नहीं करना, असी ते रो रो के बुरे हाल कर लै, साडे वीर नू बग्याड़ खा गया है। हर वेले सच्चा रोना भी रोंदे। यूसुफ अलैहि सलातो सलाम दे भरा झूठा रोए, इत्थे इहदा भतीजा झूठा रोया। अल्लाह अल्लाह, बंदा जिंदा हो गया, कातल लभ गया। इस वाक्य नू रब ने सानू क्यों दस्या है, सानू बयान करन दा रब दा मकसद की है? रब दा मकसद ए वे कि मैं दुनिया के लोगों नू दसा, कायनात दे आखरी बात, कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक तशरीफ रखते ने। एक मक्के दा काफर पुसीदा हड्डी लैके, तवजो, पुसीदा हड्डी लैके, पुरानी हड्डी लैके नबी पाक दे कोल आ गया, ते आण के कहन लगा अल्लाह दे पैगंबर, ओ मुहम्मद तू कहना रब मरण तो बाद जिंदा करेगा, जिंदा किवें करेगा? ऐ वेख ना हड्डी गली पई है, मैनू मसला पिया आटा बनती जाती है, वह जड़ी हड्डी आटा बनती जाती है, ये उत्ते दोबारा गोश्त किवें चढ़ेगा, ये दोबारा किवें अल्लाह पाक जिंदा करनगे? अल्लाह पाक फरमाते ने, ऐ मेरे नबी इस बदबख्त नू जवाब देना, ओ इत्थे हड्डी मौजूद है, हड्डियां दे उत्ते गोश्त चाड़ना ते बड़ा सौखा है, मैं तैनूं उदों पैदा कर लिया सी जदों हड्डी भी कोई नहीं सी। ये रब ने वाकया इस वास्ते बयान किया है ताकि लोगों दी गलत फहमियां दूर होवन, असी दुनिया ते मुर्दे जिंदा कर सकने हैं, कल कयामत नूं भी कबरां दे विचों उठावांगे। अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू अतत्तखिज़ूना हुज़वा قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين। अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।